नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच से 2 किलो सोने की हुई लूट। मधेपुरा के सोने व्यवसायी से नवकच्छा में हुई घटना। तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकराई, इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। रामायण सर्किट गौरव यात्रा ट्रेन पहुंचा बक्सर, केंद्रीय मंत्री ने तीर्थ यात्रियों का किया स्वागत। वर्षों बाद दिन मोहम्मदपुर लेन को मिला पियाऊ वार्ड नंबर 8 के लोगों ने लगाया अड़ंगा। और जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर निकाला गया वार्ड यात्रा। अब खबरें विस्तार से। नवगछा रेल थाना अंतर्गत हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से अपराधियों द्वारा 2 किलो सोने की लूट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मधेपुरा के सोने व्यवसायी से बदमाशों ने करीब 1 करोड़ रुपए के सोने की लूट को अंजाम देने के बाद फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। दरअसल घटना नवगछा के GRP एवं RPF थाना क्षेत्र के काड़ागोला बखरी रेलवे स्टेशन के बीच का है, जहाँ सियालदह से सहरसा जाने वाली हाटे बाजार एक्सप्रेस पर हथियार बंद अपराधियों ने मधेपुरा के ज्वेलरी व्यवसायी से सोने का बैग लूट लिया। घटना की सूचना मिलते ही GRP सहित RPF की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं घटना को लेकर RPF इंस्पेक्टर मीनाल कुमार ने बताया कि बरौनी कटिहार रेलखंड पर नवगछा GRP थाना क्षेत्र के हाटे बाजार एक्सप्रेस से सोने व्यवसायी मधेपुरा निवासी पारस मनी सियालदही से सहरसा जा रहा था, जहां अपराधियों ने एसी बोकी में घुसकर हथियार के बल पर उसके सोने से भरे बैग को लूट लिया और फायरिंग करते हुए ट्रेन का चैन पुलिंग कर फरार हो गए। वहीं लूट की घटना के बाद GRP थानाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, RPF इंस्पेक्टर मीनाल कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। फिलहाल घटना को लेकर SRP संजय भारती, DSP देवेंद्र कुमार मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करते हुए सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी बकरी थाना में कैंप कर रहे हैं। बीती रात 9 बजे दीवार से मोटरसाइकिल टकरा जाने के कारण वरुण पाठक नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में पुलिस इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले गई। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने वरुण पाठक को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि वरुण की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। घर वाले हत्या का आरोप दुर्गेश नामक युवक पर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ माह पहले फर्जी पत्रकार बनकर स्मैक की तस्करी मामले में जेल भी जा चुका था, जबकि कुछ दिन पूर्व ही वह पुलिस बनकर दुमका की एक महिला से 5,000 लूट कर फरार हो गया था, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। वहीं मृतक की मां ने शाक्चक निवासी दुर्गेश पर अपने पुत्र की रॉड से मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शाम में 2 बजे हम माउंट SSC में मेरा पोता पोती पढ़ता है, मेरा बच्चा वहाँ हमको छोड़ के अब बेटा जो है सो चला गया काम से। इसको फोन पर बुला के इसको दुर्गेश नाम का आदमी और एक उसके साथ और आदमी है, वो गाड़ी से उतार के रड से इसको मारा, हमको नहीं पता चला। शाम में हमको थाना से फोन आया कि आपका बेटा जो है एक्सीडेंट कर गया है, मर गया। जब तक हम कहाँ सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ बेटा मेरा मर गया था, वो लोग गाड़ी लेके भाग गया, हम रोते ढोते एम्बुलेंस से। दुर्गेश कौन है? हम नहीं पहचानते हैं, कोई ई ही है, पत्रकारे है कोई। वो आपका लड़का क्या करता था? पत्रकार है। कौन कहाँ पत्रकार है? उसका दैनिक जागरण में, भास्कर में गाड़ी दिया है, भास्कर में गाड़ी लगाया है, दैनिक जागरण में है। हाँ, पाठक न्यूज। एक बार फर्जी पत्रकार में पकड़ा है अभी। हाँ, तो उसका भी निकला था। हाँ, तो उसका क्या इसमें भी कुछ नहीं, कुछ नहीं,
कुछ नहीं निकला है अभी तक, रखल हाँ। है डायरी, अभी तक सब कुछ रखल है, उसका सर्टिफिकेट बना। क्या लग रहा है, क्या हुआ है कल? क्या आपको क्या कल जान बुझ के इसको रड से मारा है? मारा है वही दुर्गेश। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रामायण परिपथ यात्रा के दौरान बक्सर पहुंची, जिसका स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और स्थानीय लोगों ने किया। भगवान वामन की प्राकृतिक स्थली महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और श्रीराम की कर्म स्थली बक्सर स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री सह बक्सर सांसद के नेतृत्व में बक्सर वासियों ने भारत गौरव ट्रेन और यात्रियों का भव्य स्वागत किया। इस दौरान रामायण परिपथ यात्रा पर ट्रेन से पहुंचे टूरिस्टों के साथ स्वागत करने वालों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का स्वागत हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि रामायण परिपथ का बक्सर महत्वपूर्ण पड़ाव है और उन्हें खुशी है कि वर्ष 2014 में उन्होंने रामायण सर्किट का प्रस्ताव सरकार को दिया था, जिससे देश के श्रद्धालु भारत गौरव ट्रेन रामायण परिपथ यात्रा के माध्यम से भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं तीर्थयात्रियों ने भी रामायण परिपथ यात्रा के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। मोदी खुद यहाँ पर आए हैं और उनके साथ यहाँ के सभी लोग आए हैं, हम सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और हम सबके सम्मान के लिए यहाँ आए। हम सब आपके अत्यधिक आभारी हैं और बक्सर के लोगों के और यहाँ के प्रशासन के सभी के बहुत अधिक आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में हमको हर स्थान पर ऐसा ही महत्वपूर्ण ऐसा ही वातावरण देखने को मिलेगा जैसा हमको मिल रहा है। भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 8 के दीन मोहम्मदपुर लेन में पिछले कई वर्षों से पेयजल की समस्या है। मोहल्ले के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं पार्षद अनवरी खातून के प्रस्ताव के बाद जब निगम प्रशासन ने वार्ड में पियाऊ का निर्माण कार्य शुरू कराना चाहा, तो वार्ड के ही कुछ लोगों ने पियाऊ के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए नगर आयुक्त के पास अर्जी लगा दी, जिसकी जांच करने शनिवार को नगर निगम के अभियंता राकेश सिन्हा अपनी टीम के साथ पहुंचे। राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस स्थान पर पियाऊ का निर्माण होना है वहां रहने वाले लोगों ने NOC दिया है, जिसकी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को दी जाएगी। वहीं वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि इब्रार अंसारी और स्थानीय लोगों ने बताया कि मामबाड़ा के उत्तर सरकारी जमीन पर बोरिंग और टंकी का निर्माण होना है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व पियाऊ के निर्माण में आड़ंका लगा रहे हैं। पार्षद ने कहा कि पियाऊ के निर्माण को लेकर आसपास के लोगों ने कोई विरोध नहीं किया है, लेकिन वार्ड के ही कुछ लोग कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। इधर पार्षद प्रतिनिधि की माने तो काफी मेहनत के बाद एक पियाऊ दिन मोहम्मदपुर लेन के वासिंदों को नगर निगम से मिला है, लेकिन इसमें भी बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे समाज में शांति भंग होने की स्थिति बन गई है। ये समस्या ये है कि ये दिन मोहम्मदपुर लेन है और यहाँ पर आपको 20-25 बरस से पानी का समस्या है। अपना अपना निदान करने के लिए जो कुछ लोग माने कि संभ्रांत हैं, वो लोग एक दो आदमी हैं, वो जो अपना ये मोटर लगाए हुए हैं, उन्हीं से बेचारा जो है वो लोग जिसके जो गरीब गुरबा है, जिनको आज 20-25 बरस से पानी नहीं मिलता है, ये लोग उन्हीं से जो है ये पानी लेकर के अपना जो है काम कर रहे हैं। जब मैं पार्षद बना थी इस समस्या को, मैं खुद यहीं पर का रहने वाला हूँ, बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला हमें, तो इधर एक पियाऊ पास हुआ तो एक जो है पूरा यहाँ पर का स्थानीय लोगों का सभा करके ये निर्णय लिया गया कि इमामबाड़ा के उत्तरी जानिब जो कि सरकारी ज़मीन है ना, वहाँ पर जो है वो एक पियाऊ बना दिया जाए। अगर वहाँ पर पियाऊ बनता है तो उनके इमामबाड़ा के उसके जाने के लिए 16-17 फुट का रास्ता है, कहीं किसी को आने जाने का जो है नहीं दिक्कत है। और जिसके घर के बगल में बन रहा वो बेचारा खुद जो है कोई तरह का आपत्ति नहीं कर रहा है। और ये जो है एक असामाजिक तत्व, एक लड़का वो किसी तरह का एक झूठा सा आवेदन वहाँ दे दिया है और निगम वाला जो है उसको आज हफ्तों भर से काम को रुकवाए हुआ है। समस्या यहाँ पर पानी का है जो कि 10 से 15 साल से है, तो अब की बार जो है किसी तरह पास हुआ है, लेकिन वहाँ बीच के लोगों ने कुछ प्रॉब्लम दे रखा है, जिसका टिंकू खान नाम है, रिंकू खान है, हालाँकि वो दूर है लेकिन फिर भी उसको आपत्ति है। यहाँ पर कई लोग, जिसको कई घर है, 10 से 20 घर, 25 घर, उसको पानी का दिक्कत हो रहा है, उसको दूर से बगल से जाके मेहनत करके पानी लाना पड़ता है, तो वो चीज़ जो है हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पर के लोगों को आपत्ति नहीं, लेकिन दूर के लोगों को आपत्ति। ये यहाँ पर एक आवेदन गया था कार्यपालक अभियंता के नाम से, और उसमें हुआ क्या कि ये इमामबाड़ा है, वहाँ पर जो है ये बोरिंग हो रहा है, इस बोरिंग को वहाँ से बंद कराया जाए, संबंधित एक व्यक्ति लिखे थे। उसके बाद
कार्यपालक अभियंता ने निर्देश दिया कि जाकर के देख लीजिए वस्तु स्थिति है क्या। हम एक दिन और देखने के लिए आए कि कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र इसमें यहाँ के लोगों के द्वारा दिया गया है या नहीं दिया गया है, या अप्लीकेशन जो है वो क्या है। तो इन लोगों के द्वारा भी अप्लीकेशन दिया गया है सामूहिक रूप से कि हम लोगों को पानी का किल्लत है, और वो सब वही सब चीज़ जांच करके हम लोग जा रहे हैं। हमारे कनीय अभियंता हैं साथ, हम हैं, और यही चीज़ उस पदाधिकारी को बताएंगे, वो आदेश निर्गत करेंगे। जो जिनबीन पर जो स्थिति हम लोग देख करके जा रहे हैं और जो ये आवेदन पत्र में अंकित है उस हिसाब से। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार द्वारा जातीय जनगणना के फैसले को लेकर शनिवार को प्रदेश जनता दल यू के निर्देश पर मुख्यमंत्री के सम्मान में आभार यात्रा निकाली गई। भागलपुर में इस आभार यात्रा का नेतृत्व पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, सुल्तानगंज विधायक सह जदयू के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और युवा जदयू के जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिंह ने किया। आभार यात्रा भागलपुर के कचहरी चौक से निकाली गई, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए स्टेशन चौक पहुंची। इस दौरान जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने जातिगत जनगणना के फैसले की सराहना करते हुए सीएम और अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं जदयू नेता ने कहा कि इस अधिसूचना के अनुसार नीतीश सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना के काम को पूरा करने की डेडलाइन फरवरी 2027 तय कर दी है, जबकि इसके अलावा जाति जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए भी खर्च होने की बात कही गई है। जदयू नेता ने कहा कि भागलपुर जिला जदयू मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति धन्यवाद और भार व्यक्त करती है। इधर जदयू नेत्री कहकशा प्रवीण ने सीएम का धन्यवाद जताते हुए कहा कि जातिगत जनगणना हो जाने के बाद सभी जातियों के निम्न वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचाने में सरकार को मदद मिलेगी। इसके अलावा आभार यात्रा के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मौके पर जिला के प्रभारी राज फातमी समेत काफी संख्या में जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। दल यूनाइटेड के द्वारा आभार यात्रा निकाला जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया जा रहा है, जो उन्होंने फैसला लिया कि जाति जनगणना हो। इस जाति जनगणना को लेकर उन्होंने सारे दलों के लोगों का, जो पहले ये था, लेकिन सारे लोगों ने एक मत होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का लोगों ने किया, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जाति जनगणना, जाति आधारित जनगणना जो होगी उसका जो उन्होंने रखा है, इसके लिए पूरे बिहार के लोग उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये जो बिहार में जाति गणना की बात हुई है, इसमें हमारी जनता दल यूनाइटेड और खास करके हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहम रोल रहा है। चाहे सर्वदलीय मीटिंग बुला करके बिहार में निर्णय कराना, फिर जाकर प्रधानमंत्री से मिलवाना, ये सब हमारे मुख्यमंत्री का देन है। और बात हो गई कि अगर लास्ट में यही बात हुई, आप जानते हैं कि अगर बिहार सरकार चाहती है जाति गणना कराने के लिए तो अपनी कीमत पर करावे, तो आपने देखा है, आप तो प्रेस से जुड़े हुए हैं, बिहार सरकार के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि जितना भी खर्च लगेगा बिहार सरकार अपने खर्च पर जाति गणना करावेगी। क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन का ये बिहार के लिए है, बिहार की जनता के लिए है। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए हम आभार प्रकट करने के लिए एक आभार यात्रा यहां से निकाल रहे हैं, और ये 3800 जिला में हर जगह ये एक यात्रा पार्टी की तरफ से आदेश है, और हम लोग में उत्साह है, पार्टी में नहीं, हम लोग तमाम जनता, आम जनता में उत्साह है कि जिस तरीके से जाति जनगणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हर जनता के अंदर, हर तमाम लोगों के बीच में उत्साह है,
और ये एक ऐतिहासिक दिन कही है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार भले ही कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना ले, लेकिन कई बार व्यवस्था ऐसी होती है कि ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर से सामने आया है, जिसमें ब्लैक बोर्ड के बदले दरवाजे के ऊपर पढ़ाई होती है, जिससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस स्तर की है। दरअसल भागलपुर के सनहौला प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय साहूपाड़ा में चौथी कक्षा के बच्चे बरामदे पर बैठ कर पढ़ाई करते दिखे, जहां ब्लैक बोर्ड के स्थान पर शिक्षक कमरे के दरवाजे में लिखकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। बता दें कि विद्यालय की कक्षा 4 में 54 छात्र नामांकित है, जिसमें से 14 छात्र उपस्थित मिले और सभी बच्चे बरामदे पर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि स्कूल में कमरा होने के बावजूद कक्षा 4 को स्टोर रूम बना दिया गया है और स्कूल प्रबंधन के गलत मैनेजमेंट के कारण सभी बच्चों को बरामदे पर बैठा कर पढ़ाया जाता है। वह स्कूल के शिक्षक और शिक्षिका बच्चों द्वारा स्टोर रूम से सामान चोरी कर लेने की आशंका को लेकर बच्चों को कमरे के बाहर ही बरामदे पर पढ़ाया जाता है। इसको लेकर विद्यालय के प्रधान अध्यापिका गायत्री प्रसाद ने कहा कि विद्यालय में अभी कोई फंड नहीं आया है, इसलिए बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरवाजे के पास जो है बरामदा के पास बोर्ड नहीं है, जिसके कारण से जो है दरवाजा ही जो है उसको बोर्ड बनाया है और जिसके कारण से बच्चों को जो है बरामदे में जो है बोर्ड नहीं है और जो है गेट ही जो है इस जगह है सक्षम है बोर्ड के लिए जो है, और इसीलिए जो है गेट को जो है दरवाजा को बोर्ड बंद करके और इसी में जो है लिख करके बच्चों को जो है बता रहे हैं। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य मार्ग पर इंग्लिश गांव के समीप शुक्रवार की संध्या ट्रैक्टर एवं बाइक के बीच हुई टक्कर में बाइक चालक की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रामचंद्रपुर इटहरी गांव निवासी पंकज दास का 22 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार अपनी पल्सर बाइक से रजौन थाना क्षेत्र के भद्रार गाँव स्थित अपने ससुराल जा रहा था, तभी इंग्लिश गाँव के समीप पीछे से आ रही ट्रैक्टर के चालक ने ओवरटेक करने के दौरान बाइक को टक्कर मार दी, जिससे आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही घायल आशीष के परिजनों द्वारा उसे इलाज के लिए अमरपुर रेफर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं इसके बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि दूसरी तरफ गश्ती में मौजूद सहायक वन निरीक्षक मनोज कुमार ने पुलिस बल की मदद से ट्रैक्टर और बाइक को जब्त कर लिया। इधर पुलिस वन निरीक्षक पवन कुमार और सहायक वन निरीक्षक मनोज कुमार ने अस्पताल से मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला ही सर सवेरे घर से निकला है, तो हम लोग को तो घर बगल में रहता है, हम लोग को तो जानकारी उतना है नहीं, और उनकी माँ आई है और वो ही बता सकती है कि वो कैसे कहाँ जा रहे थे, लेकिन हमको समझ सुनने में आया कि वो जा रहा था ससुराल दोपहर के बाद, तो ससुराल जा रहा था वही भद्रार। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? इंग्लिश बस्ती के पास, वो कैंट वाले का बोली कैंट वाले घर नहीं है उसी के। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच से 2 किलो सोने की हुई लूट, मधेपुरा के सोने व्यवसायी से नवगछिया में हुई घटना। तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकराई, इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। रामायण सर्किट गौरव यात्रा ट्रेन पहुंचा बक्सर, केंद्रीय मंत्री ने तीर्थ यात्रियों का किया स्वागत। वर्षों बाद दिन मोहम्मदपुर लेन को मिला पियाऊ वार्ड नंबर 8 के लोगों ने लगाया अड़ंगा। और जातिगत जनगणना के फैसले को लेकर निकाला गया आभार यात्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।